हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ऑनलाइन हो जाओ और ग्रुप में इन्फॉर्म करो। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जी? शायदा कैसी हो? ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से ऑनलाइन हो, फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करें। आज का हमारा लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ जी, शायदा ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया आपने। हाँ जी, मारिया। चलो ठीक है, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया तो अभी ऑनलाइन हो जाएंगे सब लोग, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबॉर्शन पे। ठीक है। हाँ आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबॉर्शन पे है। अबॉर्शन क्या है, सबसे पहले क्या है, सॉरी सॉरी, फैमिली प्लानिंग का आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है। फैमिली प्लानिंग में क्या है कि सबसे पहले फैमिली प्लानिंग है क्या, ये प्लानिंग है और एक्शन है जिसमें जो है वो हम क्या करते हैं कि डिले करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और एक्चुअलाइज करते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो WHO ने हमें क्या बताई हुई है कि फैमिली प्लानिंग क्या है। फैमिली प्लानिंग बेसिकली फैमिली प्लानिंग जो है वो इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलंटरली। ठीक है। फैमिली प्लानिंग क्या है, ये एक ऐसा वे है जिसमें हम जिसके थ्रू हम सोचते हैं और मतलब हमारा वे ऑफ थिंकिंग और लिविंग है, हमारा हमारा रहने का और हमारा जीने का और सोचने से प्लान करते हैं कि प्लानिंग ये है। ठीक है। तो क्या है, ये हमारा अपना सोचने का और रहने का तरीका है जिसमें हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कितने बेबीज चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमारा ये बेस करता है हमारे नॉलेज के, फैमिली प्लानिंग का हमें नॉलेज कितना, हमारा एटीट्यूड क्या है और हमारा रिस्पॉन्सिबल डिसीजन क्या है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू बाय इंडिविजुअल कपल इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली बाय द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये क्या है, ये बेटी ने कहा हुआ है हमें, बचपन जो हमारा वो है, हमारे पास जो बेटी की बुक है बचपन थापा, उसकी तरफ से ये डेफिनेशन है कि हमारा अपना सोचने और रहने का तरीके कार है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमें कितने बेबी रखने हैं, कितने नहीं रखने और हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, बच्चे दो रखेंगे या चार रखेंगे या फिर हम अभी भी फैमिली प्लान करेंगे ही नहीं, स्पेस कितनी रखेंगे, ये सब हम अपने ओन पे डिसीजन करते हैं। फिर इसके साथ ही बात आ जाती है
ये और ये डिपेंड करता है आपके अपने नॉलेज पे, हम क्या नॉलेज रखते हैं, हम अपने नॉलेज की बेस पे ये डिसाइड करते हैं, हम अपने एटीट्यूड की बेस पे ये डिसाइड करते हैं। और ये चीज जो है ये कपल की और प्लस जो है ना ग्रुप की फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, प्रमोट करती है हेल्थ को और वेलफेयर ऑफ फैमिली को, ग्रुप को, और इसके साथ ये कंट्रीब्यूट करती है इफेक्टिवली सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। यानी कि जितने थोड़े लोग होंगे उतने, जितने थोड़े बच्चे होंगे, पेरेंट्स उतना अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे फैमिली को। जब फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, जब बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा होगा। ठीक है, हाँ जी, अब आ रही है आवाज। वेट कर लेते हैं, चले जाएंगे, वो इधर उधर हो जाएंगे।
हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी सैमा यासीन, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सैमा, मारिया, शाहिदा, आप लोग बताएं। इसके अलावा थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? एक तो ये बर्थ प्रॉपर स्पेस में हेल्प करता है, दूसरा प्रॉपर टाइमिंग में हेल्प करता है, तीसरा नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पे में हेल्प करता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी होनी चाहिए। हाँ जी, मारिया, इसके अलावा एलिमेंट्स और क्या हो सकते हैं?
हाँ जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी साइमा मारिया, अब आवाज आ रही है? हाँ जी समीना, अब आवाज आ रही है या नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि फिर मैं अब बाहर निकल के अब कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, हेल्थ बेनिफिट्स फादर को क्या होंगे? मेरा क्वेश्चन ये था कि हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पे फादर को क्या मिलेंगे? जी, बुक ये कहती है कि फादर की जो है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होगी, हेल्प मिलेगी, अलाउज फादर कीप अ कॉन्स्टेंट बैलेंस, बैलेंस रख पाएगा अपनी फिजिकल हेल्थ में, मेंटल और सोशल वेलबींग में जो है ना वो बैलेंस रख पाएगा। किस तरीके बैलेंस रखेगा? सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व होगी, मेंटल हेल्थ कैसे इन्वॉल्व होगी? जब बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा इजीली, तो आपको पता है कि मेंटल हेल्थ होगी, और जब बच्चे थोड़े होंगे तो थोड़े बच्चों को जब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना होगा तो उसकी वजह से उसको फिजिकल एग्जर्शन भी कम होगी, है ना? फिजिकल एग्जर्शन कम होगी, थोड़ा कमाएगा, थोड़ी जॉब्स करेगा, और फिर ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को पाल सकेगा। अदरवाइज अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो उसे ये पता होगा कि मुझे अपने बच्चों के खर्चा पूरा करना है, और ज्यादा से ज्यादा डबल ट्रिपल मेहनत करेगा। सोशल वेलबींग कैसे होगी कि अगर वो बच्चों, अगर उसको पता है कि मेरी फैमिली का 20,000 में मंथली खुला डुला गुजारा हो जाता है बगैर किसी टेंशन के, तो वो फिर एक जॉब करेगा और आके अपने फ्रेंड्स को भी, अपनी सोसाइटी में सोशल लाइफ भी अच्छे से इंजॉय कर पाएगा, तो वो सारी चीजों में फिर इजीली बैलेंस कर पाएगा। इसके अलावा जो फादर की जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है वो भी इंक्रीज होगी, कैसे? बिकॉज बिकॉज ही इज एबल टू प्रोवाइड द टाइप ऑफ एजुकेशन एंड द होम एनवायरनमेंट। जब फादर जो है वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा, सोसाइटी में अच्छे तरीके से स्टैंड करवा पाएगा, तो खुद भी वो मेंटली अच्छा रहेगा और उसकी जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है वो भी इम्प्रूव होगी। उसकी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो इम्प्रूव होगी, कैसे है? वो खुद में बेटर फील करेगा कि मैं कि सोसाइटी में मेरा एक मुकाम है, मैंने अपने बच्चे अच्छे पढ़ाए हैं, मैंने अपने बच्चे अच्छे पढ़ाए लिखाए हैं। वो लोगों में अपने बच्चों की फिर तारीफें करेगा, रिस्पेक्ट महसूस करेगा, फख्र महसूस करेगा, है ना? इस तरह भी होता है ना? तो माँ बाप को भी, बाप को भी मेंटली और फिजिकली सेटिस्फेक्शन होना और रिलैक्स होना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा हेल्थ क्या है? हेल्थ है बेनिफिट्स टू होल फैमिली हेल्थ, हेल्प द फैमिली एंजॉय द बेटर काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है? हेल्थ क्या है? बेनिफिट्स हैं, होते हैं हेल्थ के होल फैमिली को, ठीक है? फैमिली हेल्थ अगर अच्छी होती है तो वो सारी फैमिली ही इंजॉय करती है और हेल्दी रहती है। इसके साथ हेल्प द फैमिली एंजॉय द बेटर काइंड ऑफ लाइफ, इससे बेटर काइंड ऑफ लाइफ जो है वो एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है? इरम बना रही है, टाइप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में क्या है? नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, बैरियर फैमिली प्लानिंग है, और इसके अलावा परमानेंट और सर्जिकल फैमिली प्लानिंग है। देखता हैं? क्या कह रहे हो मैर? हैं? हैं? नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, बैरियर फैमिली प्लानिंग है, और परमानेंट है जिसमें सर्जिकल की जाती है। फैमिली प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल है और फॉरेन मटेरियल इनटू द बॉडी, ठीक है? नेचुरल मेथड्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताओ ना कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या है। जी हाँ जी मारिया, जी मारिया, शाहिदा, आप लोगों के ही नाम नजर आ रहे हैं। फौजिया अख्तर, सुंबल जफर, फौजिया अख्तर, साइमा यासीन, जी, नेचुरल मेथड्स क्या हैं? समीना शरीफ, नेचुरल मेथड्स क्या हैं? साइमा यासीन, नेचुरल मेथड्स क्या हैं? स्पेसिंग मेथड है, ठीक है, गुड, और ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, गुड, और इसके अलावा जी
जी, ब्रेस्ट फीडिंग है, स्पेसिंग मेथड है, विदड्रॉल मेथड है। ठीक है, मैं फोजिया ठीक कह रही हूँ। मारिया ने कहा स्पेसिंग है इंक्लूडिंग टू, हार्मोनल है नॉन हार्मोनल है, ठीक है गुड। और सुबल कह रही है कि विदड्रॉल मेथड है, ठीक है गुड। बैरियर मेथड क्या है जी? बैरियर मेथड किसे कहेंगे? बस बन गई है, बन गई बस जी। बैरियर मेथड क्या है? फैमिली प्लानिंग में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि नो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल ऑफ फॉरेन बॉडी है, फॉरेन मटेरियल है इनटू द बॉडी, अगर ना करवाए किसी किस्म का इस तरह का यूज ना किया जाए, ठीक है, यह नेचुरल मेथड है। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस में भी ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ, ये वाली जो नेचुरल मेथड है इसमें रिलीजियस बिलीफ की बेस पे भी की जाती है, ताकि नेचुरल वे जो है वो बेस्ट है कि अवॉइड ही किया जाए बहुत सारी चीजों से, कोई भी फॉरेन बॉडी यूज ना की जाए, कोई भी फॉरेन मटेरियल यूज ना किया जाए। वो ये कहा जाता है कि खुदा के कामों में इंटरफेयर है, खुदा जिस जिंदगी को लाना चाहता है हम उसे रोक रहे हैं। फिर इसके बाद है इफेक्टिवनेस जो है वो वेरीज करती है, ग्रेटली डिपेंड्स ऑन कपल्स एबिलिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग इंटरकोर्स ऑन फर्टाइल डेज, ठीक है। इसके अलावा इफेक्टिव और जो अच्छा इफेक्टिव और ग्रेटली जो मेथड है वो ये है कि डिपेंड किया जाए ऑन कपल एबिलिटी कि वो रिस्ट्रेन करें या वो अवॉइड करें, रिफ्रेन करें किस चीज को, हैविंग इंटरकोर्स ऑन फर्टाइल डेज, जो फर्टाइल डेज है उनमें अवॉइड ही किया जाए। दूसरा फेलियर रेट्स इसका अबाउट 25% जो है वो पोजेस नो रिस्क ऑन टू फीटस, ठीक है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग में सबसे पहले रिदम भी आ जाता है, रिदम मेथड है जिसे वो कैलेंडर मेथड कहा जाता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर है, इसके अलावा ओवुलेशन और सर्वाइकल म्यूकस मेथड है, और सिम्टो थर्मल मेथड है, क्वाइटस इंटरप्टस है, और इसके अलावा लैक्टेशन एमेनोरिया है, ठीक है। ये वो मेथड्स हैं जो अभी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं और आपने पार्टिसिपेट किया है जिसमें, ये वही सब है। हाँ जी, बैरियर में कॉन्डम है, नॉन हार्मोनल है, फर्दर डिवाइड्स इनटू नेचुरल केमिकल में और मैकेनिकल में, बैरियर्स में, ठीक है। तो समय और हमारी तुफैल ने बताया है कि ये हैं कॉन्डम है, आईयूडी है और अच्छा रिदम मेथड कौन सा है, कैलेंडर मेथड कौन सा है जिसमें ओव्यूलेशन के डेट्स और टाइम जो हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है और वो वाले डेज को अवॉइड किया जाता है। फिर उसके बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर है कि बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि किन डेज के अंदर टेम्परेचर रेज होगा और ओव्यूलेशन चल रही होगी, तो फिर उन डेज में क्वाइटस से अवॉइड किया जाएगा। फिर इसके अलावा वही बात है, ओव्यूलेशन और सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस को चेक करते रहते हैं। अगर तो सर्विक्स जो है वो हाई होती है तो इट्स मीन के ओव्यूलेशन है, अगर सर्विक्स डाउन होती है फिंगर से असेस किया जाता है पीवी करके। सर्वेक्स जो है अगर हाई होगी तो इट्स मीन की ओव्यूलेशन चल रही है, और अगर सर्वेक्स डाउन होगी तो इट्स मीन की ओव्यूलेशन नहीं है। और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो भी बिल्कुल वो जो है वो थिन म्यूकस जो है म्यूकस डिस्चार्ज होता है जिससे ये पता लगता है कि इस टाइम ओव्यूलेशन चल रही है। फिर इसके अलावा क्वाइटस इंटरप्टस है कि अवॉइड किया जाए, और सिम्प्टोथर्मल मेथड है वो भी इसी तरह से ही है, और लैक्टेशन एमेनोरिया है वो ब्रेस्ट फीडिंग वाला मेथड जो था, ठीक है। रिदम या कैलेंडर मेथड है? हाँ जी, रिदम और कैलेंडर मेथड को आप किस तरीके से ऑब्जर्व करोगे जी? हाँ जी, हाँ जी नौरीन,
किस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे कैलेंडर मेथड में? कैलेंडर मेथड का यूज आप किस तरह से करोगे? जी, कैलेंडर मेथड का यूज आप किस तरह से करोगे? ओवुलेशन डेज से, ठीक है। और हाँ जी सुमल, ठीक है। मारिया, नोरीन, साइमा, हाँ जी, किस तरह से करोगे? और जी, और जी, लाइक ओवुलेशन डेज में अवॉइड करना है, हाँ जी, ठीक है, गुड। और हाँ जी, ठीक है सुमल, सही कह रही हो कि इसमें टेम्परेचर रेज होता है, और अगर कंसीव कर लें तब भी बेसल बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, अगर कंसीव नहीं भी करते, ओव्यूलेशन चल रही हो, तब भी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा हाँ जी, कैलेंडर रिदम मेथड में क्या है? द रिदम मेथड आल्सो कॉल्ड द फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड है, इज अ फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन है, वेयर कपल्स कैलकुलेटेड अ वुमेन्स फर्टाइल टाइम यूजिंग अ कैलेंडर, ठीक है। इसमें एब्सटेन किया जाता है फ्रॉम कोइटस ऑन द डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब जो एग्जैक्ट डेज आते हैं ओव्यूलेशन के, सिर्फ उन्हीं डेज में जो है वो अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इससे ये होगा कि कंसीव करने में वो हो जाता है, ठीक है। ये साइड पे ये कैलेंडर आ रहा है, ओवुलेशन डेज कौन से है? रेड वाले ओवुलेशन डेज है, 14 डेज जो है, ये जो ग्रीन वाली है ये फर्टाइल विंडो चल रही है, इसमें कैलकुलेट किया जाता है। 18 फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइकिल डॉक्यूमेंटेड है, 11 फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइकिल है, रिप्रेजेंट्स हर लास्ट फर्टाइल डे। एग्जाम्पल है इसकी, अगर इफ शी हैज 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी रेंजिंग है फ्रॉम द 25 to 29 डेज है, फर्टाइल पीरियड वुड बी 7th to जो है वो 18th डे होगा, ठीक है। और ये 29/11 का होगा, टू अवॉइड प्रेगनेंसी अवॉइड कोइटस है, फिर उसके बाद है यूज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग दीज डेज। डिसएडवांटेज इसके क्या होंगे? लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म प्लस रिलायबिलिटी इज इक्वल टू फेलियर ऑफ मेथड, डिपेंड करता है, अगर स्पर्म्स का लाइफ स्पैन ज्यादा हुआ, स्पर्म ज्यादा स्ट्रांग हुए और 3 से नहीं 5-6 दिन ज्यादा चलते हुए, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने डेज वो कैलकुलेट किया लेकिन पता लगा स्पर्म अभी अलाइव है।
बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या है? आइडेंटिफाई द फर्टाइल और इनफर्टाइल पीरियड ऑफ द वुमेन साइकिल है बाय डेली टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑफ द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, ड्यूरिंग एंड अवॉइडिंग ओवुलेशन. डिसएडवांटेज इसका क्या है? नॉट रिलायबल मेथड है ऑफ द बर्थ कंट्रोल है, स्पेशली फॉर द वुमेन विद इरेगुलर साइकिल प्लस आउटसाइड द फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ द स्लीप है कैन कॉज वुमेन्स टेम्परेचर टू वेरी. कभी आप लोगों का ऐसा सुनने में आया कि कभी किसी का ये सुना हो के बेसल बॉडी टेम्परेचर पे या रिदम मेथड को यूज करते थे और यूज करते हुए ये हुआ एक वक्त आया कि वो उन्होंने फिर भी कंसीव कर लिया, उस मेथड को रखा हुआ था स्पेसिंग के लिए. अब एक और चीज अपने माइंड में रखना कि इसको हम स्पेसिंग के लिए भी यूज करते हैं प्लस सैमो, इसको हम स्पेसिंग के लिए भी यूज करते हैं और हम इसको जो है वो कंसीव करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है. कंसीव करने के लिए हम इसको किस तरह से यूज करते हैं? जब आपने कंसीव करना है तो आपने क्या करना है कि उन्हीं डेज को ही अवेल करो कंसीव करने के लिए, और अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो भी उन्हीं डेज को अवॉइड करो. जी आपने कभी इस तरह की कोई बात सुनी है इसके बारे में कि कभी किसी के साथ इस तरह से हुआ हो? इट्स डिफिकल्ट. फीमेल आर मोर हॉटर देन मेल, इट्स आल्सो कॉज स्पर्मसाइडल इफेक्ट. ओके, बहुत दफा सुना है कि लोग कहते हैं कि पता नहीं चला. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मैंने पता है 8-9 बजे वो चक्कर लगाते चक्कर सर्वाइकल म्यूकस ओवुलेशन में क्या है? सर्वाइकल म्यूकस जो है वो फ्लूइड है प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल ग्लैंड्स है नियर द सर्विक्स है. दिस फ्लूइड चेंजिंग थ्रू आउट हर साइकिल फ्रॉम स्कैंट एंड स्टिकी होता है टू क्लाउडी एंड थिक टू स्लिक एंड स्ट्रिंगी. ठीक है, मतलब ये कि सर्विक्स सर्वाइकल म्यूकस जो है वो उसको टच किया जाता है. ये जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर ये स्ट्रिंग बनती है, इसकी लाइन बनती है, तो इट्स मीन के ये टाइम है ओवुलेशन का बिल्कुल क्लोज है. ठीक है, फ्लूइड की चेंजेस बताती हैं कि ओवुलेशन आफ्टर पीरियड ये स्टार्ट होता है और ये ओवुलेशन के डेज में ये सारा चलता है. ठीक है, और ये चेंजेस जो है वो थ्रू आउट द साइकिल चलती रहती है. फिर उसके बाद है ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ म्यूकस इज रिलेटेड टू द हार्मोनल शिफ्ट दैट नेचुरली अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज हर बॉडी प्रिपेयर फॉर एंड अचीव्स ओवुलेशन. राइट बिफोर ओवुलेशन है द म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स चेंजेस फ्रॉम बीइंग क्लाउडी एंड स्कैंटी टू बीइंग क्लियर एंड स्लिपरी. डिसएडवांटेज इसके क्या है? इट इज नॉट अ पर्टिकुलरली रिलायबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है स्पेशली फॉर अ वुमेन विद अ इरेगुलर साइकिल. रिमेंबर that cervical mucus does not let you know
when you will soon be ovulating. But sperm can live up to 7 days inside the vagina. ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिलायबल मेथड नहीं है बर्थ का, स्पेशली अगर वुमेन की इरेगुलर साइकिल रहता है, पता नहीं लगेगा कब सर्वाइकल म्यूकस वाला मेथड आ गया कब नहीं आया. फिर इसके अलावा आपने रिमेम्बर ये करना है कि सर्वाइकल म्यूकस जो है ना डज नॉट लेट यू नो व्हेन यू विल सून बी ओव्यूलेटिंग. इससे ये नहीं पता लगेगा कि कब आप ओव्यूलेट कर जाओगे. बट स्पर्म कैन लिव अप टू सेवन डेज रहता है स्पर्म, फिर भी पता नहीं लगेगा कब ओव्यूलेशन हुई और कब स्पर्म अंदर जिंदा रहा, अलाइव रहा वजाइना में, उसके बाद कभी भी वो डिपॉजिट होके तो वहां पे वो कंसीव कर लेगा. इस तरह की प्रॉब्लम आती है. अच्छा, तो अभी आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और साथ में अटेंडेंस लगवा लें. ठीक है, हर बार ज्यादा होगी. मैम इसकी 3 डेज होती है लाइफ, नहीं 3 डेज नहीं होती मारिया, 3 डेज नहीं होती है, डिपेंड करता है स्पर्म के लाइफ स्पैन पे, स्पर्म पे डिपेंड करता है.
नहीं।